वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त जानू भाई। और अभी मैं पहले सबसे पहले आपको ये चीज़ बताता हूं, मेरे पापा मेरे लिए क्या लेके आए हैं, मेरे डैडी जी क्या लेके आए हैं मेरे लिए। और ये लेके आए हैं। अब ये क्या चीज़ है पहले तो आप कमेंट करके अभी बता दीजिए, जब आप ये वाला पार्ट देख रहे हो एंड में मैं बता दूंगा कि क्या ये, ठीक है। तो मैं क्या बोलने वाला था, हाँ अभी मैं जाने वाला हूँ, हमारे घर के ऊपर शादी है मेरे भैया के लड़के की, मेरे भतीजे की शादी है। ससुर अभी यहाँ पे, चाचा ससुर कवारा बैठा है और भतीजे शादी कर रहा है क्योंकि वो उम्र में बड़े हैं मेरे से। वहाँ पे मैरिज है तो अभी स्टार्टअप है, तो फिलहाल अभी आज हम जाएंगे वहाँ पे। वहाँ पे घोड़ियाँ जो गाते हैं पहाड़ी, आपको पता ही है हिमाचल के लोगों को, सभी को पता है शादी की शुरुआत इन्हीं चीज़ों से होती है। 3-4 दिन पहले घोड़ियाँ गाना स्टार्ट कर देते हैं, संगीत गाते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। और मतलब एक तरह से वो सेलिब्रेट करते हैं, आई थिंक सो, हाँ सेलिब्रेट ही करते हैं। और बहुत ही अच्छे अच्छे गाने गाते हैं सभी मिलके, बहुत लेडीज़ लोग, पूरे विलेज के जो भी मतलब खास खास होते हैं वो सभी आते हैं घर और गाने गाते हैं मिलकर बैठ के एकदम से। और चाय पानी होता है, गप्पे शप्पे मारी जाती हैं, हंसी मजाक चलता है। अभी हम वहीं पे जाएंगे, मम्मी आ रही है, मैं खाना खा के अभी आ गया हूँ, 10 के करीब टाइम हो गया रात का। अभी ब्लॉग शूट कर रहा हूँ क्योंकि शादी का कुछ काम मैंने वो करवाए दिन में, वो मैंने शूट नहीं किया क्योंकि मैं किसी वजह से मतलब अभी मैं मार्केट भी गया था, शायद लाइट टायर फट गया पहले पीछे वाला स्कूटी का, फिर वो बदला है, मतलब बहुत से सीन हुए, कहीं मार्केट से कुछ सामान लेके आए, मतलब बहुत सारा कुछ हुआ। अभी हम चलते हैं सीधा, बहुत बकवास सुनने आप, सीधा घर चलते हैं शादी वाले। तो गाइस शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, यहाँ पे अभी टेंट लग रहा है, तो अभी स्टार्टिंग यहीं से हुई है। अभी यहाँ पे लाइटिंग थोड़ी कम है बट मैं फिर भी बना रहा हूँ। तो अभी टेंट लगना शुरू ही हुआ है और दूल्हे साहब अंदर है, बाकी सभी यहीं पर बैठे हैं बातचीत कर रहे हैं। तो फिलहाल ये वाला टेंट लग रहा है और ये दूल्हे की मम्मी जी, हमारी भाभी जी और यहाँ पे बातचीत चली हुई है, वो दूल्हे के पापा जी हैं, उनसे मैंने लाइसेंस ले लिया है यहाँ पे वीडियो बनाने का। वैसे परमिशन नहीं दे रहे थे लेकिन ज़बरदस्ती हमने ले ली है तो भाई जी हम वीडियो बना ले क्या? बिल्कुल जी बनाओ, जो मैंने बोलो बनाओ, बहुत बढ़िया। हाँ तो गाइस परमिशन मिल चुकी है, अब तो कन्फर्म हो गया। जो शादी का वीडियोग्राफर होगा उससे पहले मैं ये पूरी शादी आपको दिखा दूंगा। तो ये पहला बबरू डल चुका है और यहाँ पे भाभी जी हैं और मम्मी जी और ये भाभी जी। नहीं तो भाभी जी को बहुत काम है ना अभी, इसीलिए वो टेंशन में है, इसीलिए बांधा उन्होंने करते। बेटा मैं तेरी शादी दिया छपी गया अखबारा, बेटा मैं तेरी शादी दिया और बेटा मैं तेरे सगन मनावे, कौन बेटा मैं तेरे सगन और ये देखो भाई लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, रात के
11:30 हो चुके हैं और अभी भी मेहनत कर ही रहे हैं। और नंगू पुंगू को बाय बाय मनु, ये देखो शर्माने वाले लोग हैं ये। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो सुबह सुबह भी सफाई हो रही है रास्ते की, यहाँ पे कटाई कर दी। बाकी जेसीबी आई है वो भी कर रही है सही रोड अच्छे से। तो ये काम भी एक रहता है, साफ सफाई का काम भी रहता है साथ ही साथ में, क्योंकि आने जाने वाला रास्ता जो है क्लियर करना पड़ता है ताकि किसी को आने में दिक्कत ना हो। तो इसीलिए अभी सफाई कर रहे हैं हम सभी मिलके। जेसीबी जो है वो आगे लगी हुई है उधर ही, अभी वो आई नहीं पीछे। तो ये वाला रोड किया हमने सही ऊपर तक, जहाँ पे शादी वाला घर है वहाँ तक। तो दीदी को छोड़ आए थे कल ससुराल, तो अभी मैं उनको लाने जा रहा हूँ और वो शादी के लिए आ रहे हैं, क्योंकि आज से मतलब शादी वैसे स्टार्ट ही हुई है। मैंने चल रहा फ़ोन है, ले चाबी ले ले। तू चलाया हूँ गड्डी, ठीक है चलाएंगी हैं, चलाएंगी ठीक है डन, तू चलानी हूँ। ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे ठीक है, ठीक है मामू जी, मामू ठीक है। स्माइल, फोटो खींच रहा हूँ तेरा, स्माइल कर ना, बैठो आगे बैठे हो। हम निकलने वाले हैं घर को, ये दीदी तुम तो एक ही दिन लाया एक ही दिन लाया। हाय करतो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, अब ये ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ।